ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री बन जाती है तो क्या होगा देश? देश का क्या होगा? अच्छा रहेगा, सुधार होगा। स्टेट में जो है ना 10 साल के लिए मुख्यमंत्री रही और अभी 10 साल रह गए वो मोदी जी अपने स्टेट में, उसके बाद वो भी प्रधानमंत्री बन गए। अभी भी अगर इनको मौका दिया जाएगा तो अच्छी बात है। तो कुछ नहीं है, ये तो मोदी जी भी गुजरात में थे पहले, जो है अमेरिका ने उनको जो है वीज़ा देने से भी मना कर दिया था। अब वही अमेरिका जो है उनको कितनी बार बुलाता है। मोदी जी को एक चीज़ ज़रूर कहो, समझे, ये जो भ्रष्टाचारी है जिसको यूँ कहें कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा, हम इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म हो रहा। पहले जो है अगर 5,000 में भी थाने में काम चल जाता तो आज 25,000 में चलता है, समझ गए। आज अगर वो आरटीओ 50 रुपये में काम करे था, आज वो जो है ना 50,000 रुपये में काम करे, कहाँ है भ्रष्टाचारी, कहाँ ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़, जनता बद्दोबिरान है, सब परेशान हाल है, किसी को काम मिला किसी को कुछ काम नहीं मिलता। इस सबसे ज्यादा भर्ती इस टाइम में लिकट गई, इतनी भर्तियाँ नहीं लिकड़ी जितनी तक लिकटगी। अच्छा भाई, हम पढ़ रहे वैसे कोशिश में लग रही है, हम नौकरी मिलेगी जी, पढ़ागा जो पढ़ागा उसे तो नौकरी मिलेगी। अच्छा। नहीं तो है नहीं, जो पढ़ता नहीं उसे नौकरी मिल जाएगी, कहीं भी नहीं मिलने की। पहली बात तो अनाश कर देगी हम उसे, कतई भी नहीं मनाने के भाई। अच्छा, साफ सीधी बात है, मोदी जी मनाएंगे, मोदी 100% मोदी मनागा। अच्छा, विदेशों में ना इंडिया को कोई जाना था विदेश में, आज इंडिया का नाम देख कहाँ है विदेश में जाके, यानी कि विकास हुआ विकास। अरे भाई विकास तो हुआ है, फिर इंडिया में देख ले, इंडिया का नाम कहाँ था विदेशों में, कौन जाना था। और इंडिया में देख ले 9वें नंबर पे नरेंद्र मोदी जी है, जो जो विश्व की वो है रिपोर्ट है उसमें 9वें नंबर में मोदी है। ममता बनर्जी बन जाओ या फिर वही बन जाओ मोदी जी, कुछ नहीं होने का देश का, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि भ्रष्टाचारी ऊपर से ही चलती है और ऊपर से ही वहीं से शुरू होती है, वहाँ से कभी ख़त्म नहीं होने की है। अच्छा, मोदी जी नहीं है कि एक मोदी जी है, उनके साथ और भी लगे हुए हैं भ्रष्टाचार ही है आधे से ज़्यादा। अच्छा। तो भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? एक के ख़त्म करने से नहीं होगा, ये तो सबके ख़त्म करने से होगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया जी, जो गरीबों के बारे में सोचेगा वो बिल्कुल कामयाब रहेगा, और जो दुआ लेगा गरीबों की वो हमेशा कामयाब रहेगा, और जो नहीं लेने का गरीबों को परेशान करेगा, उनके रोजगारों को कोई नहीं देने का, वो परेशान ही रहेगा। ये बुरा कभी नहीं सोचता, मोदी जी भी बुरा नहीं सोचते, मोदी जी हम कहते हैं कि मोदी जी बुरा कोई नहीं सोचता, मगर एक बात, एक आदमी के करने से अच्छा नहीं होता काम कभी भी। बात और कहना चाहूँगा अपने देश के देशवासियों से, जो अभी प्रधानमंत्री बनता है उसके लिए कोई भी गलत शब्द ना बोल लें, जो शब्द बोलते हैं ना गलत, मतलब कि जी यहाँ उन्होंने ये कर दिया कर दिया, भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करो, ठीक है जी। अच्छा। उनके बारे में कोई भी जो नौजवान लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके बारे में कोई गलत बात ना कहे। योगी जी है वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, और मोदी जी है वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, बस हमारे तो दुआ ही है कि जो भी कोई आवेगा अपना अच्छा ही सोचेगा। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाएगी? बस अगर जो ममता बनर्जी बन गई प्रधानमंत्री, हम तो चाहते हैं भाई यहाँ का विकास बढ़िया हो, है जो गरीब आदमी उन्हें जो है ना सुविधा मिले, और भाई देखो जो आवाम परेशान है वो तो है ही, बहरहाल सबको पता है ही कि इसने क्या किया, 4.5 साल ये सरकार चली, भाई जिसको क्या देना था क्या नहीं दिया, 15 लाख रुपए देने का वादा करा था वो नहीं मिले। अच्छा मकान के जो है ना पूछा जा रहे, रोज़गार से बेरोज़गार हो गए लोग, बाहर रिक्शा चला रहे हैं, रोज़गार है नहीं यहाँ, ये क्या वजह है? ये देश सही चल रहा है गलत चल रहा, जाने तो सरकार ही, लेकिन यह है कि हम तो ये चाहेंगे भाई सरकार विकास बढ़े ही करे। देखो जी इसने तो अपने 4.5 साल पूरे कर ही लिए, समझ लो 4 साल 4.5 साल, अब कोई नई सरकार आवे वो भी अच्छा विकास करेगी, उसका भी साथ देंगे, नहीं करेगी तो बेकार है, फिर वो भी इसी तरह जाएगी, अपना वोट तो जाना कांग्रेस को जाएगा, सीधी बात।